अच्छा, कराची के हवाले से क्या मामला तय पाए हैं? आज वजीर आजम साहब ने विजिट किया यहाँ पर, पीपल्स पार्टी कौन कौन से अहदों में दिलचस्पी रखती है मैडम? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप दो सवाल पूछ रही हैं, एक सवाल आप पूछ रही हैं कराची के बारे में, जी जी, साथ ही आपने ओडो में दिलचस्पी की बात पूछी, जी जी। पहले इससे मैं आपका सवाल का जवाब दूंगी कि कराची के हवाले से उन्होंने जहाज में भी मीटिंग की, कराची डेवलपमेंट प्लान जो है उसके हवाले से, जो ट्रांसपोर्ट है, जो वाटर का पानी का मसला कराची का है उसके हवाले से, कि जब हम सीएम हाउस गए तो वहाँ आपने देखा कि मुराद अली शाह साहब ने अपनी कैबिनेट के साथ उनको रिसीव किया एयरपोर्ट पे, और जब वहाँ मीटिंग भी हो रही थी तो वहाँ उन्होंने दोनों ने इकट्ठे सीएम एम ने एम क्यू एम और वफाकी जो पूरे वहाँ नुमाइंदे थे, जो प्राइम मिनिस्टर ने की सरबराही में इजलास हुआ, उसमें पूरा जो सिंध और कराची उसके ऊपर एक पूरी कंप्लीट उसकी प्लानिंग एंड डेवलपमेंट के सेक्रेटरी साहब ने ब्रीफिंग दी, और वो एरिया जो बहुत जल्द कम्प्लीट करने की हदायत की है वो एक कराची सर्कुलर रेलवे है जिसको वापस सी पैक के प्रोजेक्ट में जो चार साल से वफाकी हुकूमत जिस पर बैठी हुई थी उसके बाद बहुत ड्रास्टिकली फंडिंग सिंध की रोकी है फेडरल गवर्नमेंट ने, जिसको बैलेंस किया बाकी सूबों के साथ फंडिंग जो तनासब है उसके साथ। उसके बाद पानी का जो मसला है उस पर जो के फोर शहबाज साहब ने फौरी तो हंगामी सूरत हाल पे उसके ऊपर काम करने की जितना भी बोझ फेडरल गवर्नमेंट मजीद उठा सकती है वो उन्होंने कहा, लेकिन उन्होंने ये बहुत कैटेगोरिकली कहा कि इन तमाम चीजों में सूबे लीड रोल लेंगे और वो सिर्फ फैसिलिटेट करेंगे, और इसी तरह वफाक की इकाइयां आपस में इकट्ठी रहकर डेवलप हो सकती हैं जब ये जो एक फैक्टर फील गुड फील फैक्टर ये हो, एतमाद का ये फैक्टर हो कि जो वफाक है वो तमाम सूबों पे इक्वल इक्विटेबल रिसोर्सेज के साथ इम्प्लीमेंट करेगा, और यही शहबाज साहब अपनी सोच भी रखते हैं और यही उनकी पॉलिसी होगी। ठीक, पीपल्स पार्टी के हवाले से भी बता दीजिए कौन कौन से और, हाँ जी, और एक और बात भी, इसकी मिसाल एक बहुत कामयाब मिसाल, जब मोहम्मद नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे तो जब कराची के अमन के ऊपर जब सूबे ने लीड ली और पीछे से उनका विजन था उन्होंने फैसिलिटेट किया तो कराची में अमन दोबारा वापस आया। बाकी बिल्कुल क्रेडिट जाता है, बिल्कुल क्रेडिट जाता है उसका। ये एक कोएलिशन गवर्नमेंट है और उस पर मुशावरत इस वक्त हमारी टीम्स और कोएलिशन टीम जो पार्टीज हैं उनकी टीम्स आपस में मुशावरत कर रही है, और इंशाल्लाह इसमें कोई ऐसी बात नहीं कि किस पार्टी, मैं आपको बताऊं सारी पार्टीज ने गैर मशरूत तौर पर ये शहबाज शरीफ साहब को कहा था कि जिस तरह वो चाहें वो ये करें, उन पर पूरा एतमाद किया, लेकिन शहबाज साहब ने कहा कि नहीं, ये एक कोलिशन गवर्नमेंट है जिसमें सबको मिलकर काम करना है, और आपको याद होगा इस कदम एतमाद से पहले शहबाज शरीफ साहब ने स्टेटमेंट भी दी थी कि कोई जमात खाली जो है वो ये नहीं कर सकती, सब पार्टीज को इकट्ठे बैठना होगा, एक ऐसी गवर्नमेंट हो जिसमें तमाम पार्टीज की रिप्रेजेंटेटिव हो और उसके साथ मिलकर इकट्ठे इस मुल्क के जो इस वक्त खजाना खाली, बेरोजगारी, माशी तबाही, मुल्क के अंदर जो एक ये नफरत, पोलराइजेशन, ये तमाम वो चीजें हैं जिसके ऊपर इस वक्त तमाम